shit! मैं लेट हो गया। रजत, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तू जानता है आज कॉलेज का पहला दिन है। आज तुझसे मिलने वाला है। और फिर भी देखा, मैं ये भी भूलने वाला था। Wake up, get up. Stand up for your rights. Stop it, yaar. Itna kyun chilla raha hai? Ye 21st century wake up call hai, bachcho. Mummy kahan hai? Mummy ko to nani 16th century wake up call suna rahi hogi. Oh. Uth ja, raj dulare. Stop it. Shit, yaar. Mummy bhi nahi hai. Kyon? मम्मी तुझे क्या स्पेशल तरीके से उठाती है? मैं तुझे इतना म्यूजिकली उठा रहा हूँ. म्यूजिकली? मुझे म्यूजिक नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए. कम ऑन. विवा! पापा को बता दू, तुझे म्यूजिक नहीं, रूम सर्विस चाहिए. विवा! हेलो एक पापा, मैं जग गया हूँ. यस डैडी. प्रिया, 10 सेकेंड और सोने दीजिए ना पापा. ओ कम ऑन प्रिया, मुझे आज कॉलेज नहीं जाना, आप जाइए. तुम्हें कॉलेज जाने के लिए कौन कह रहा है? अरे आज कॉलेज बंद है. आज कॉलेज बंद है? हाँ हाँ, अभी अभी रेडियो पर अनाउंस हुआ कि आज कॉलेज बंद है. आज कॉलेज बंद है? वाओ, तो तुम उठ क्यों गई? सो जाओ ना थोड़ी देर. और छुट्टी के दिन भी कोई सोता है क्या पापा? चलो अब तुम्हारी नींद खुली गई है तो जा तैयार हो जाओ, आज कॉलेज है. नॉटी गर्ल. गुड मॉर्निंग राहुल सेठ, आज कॉलेज. गुड मॉर्निंग रघु दादा, मेरा बीन स्प्राउट्स और जूस तैयार रखना. शंभू, मेरी गाड़ी लाल वाली गाड़ी साफ करके गेट पर लगा दो, जल्दी, आज कॉलेज का पहला दिन है. रिया, दरवाजा खोलना, देर हो जाएगी. रिया खोलना दरवाजा. रितु, 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 तुझे होश है? तू बाथरूम से आ रही है या तुझे बाथरूम में जाना है? मॉम, रिया दरवाजा नहीं खोल रही. रिया उठ जा, ये दीवार है. चल मॉम, नाइट कॉलेज नहीं हो सकता, मैं 15 मिनट और सो जाऊं. तुम आधा घंटा और सो जाओ. बालों को शैम्पू करने में आधा घंटा लगता है ना, तो बालों को शैम्पू मत करना. What nonsense! मैं कॉलेज बिना शैम्पू किए जाऊं? ये नहीं हो सकता. पापा ब्रेकफास्ट. अब मैं सीधा लंच खाऊंगा,
इडियट, पहले सुबह 4 बजे जगा देता और अब लेट। मेरी प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है? आज मेरी वीसी से मीटिंग है। आप ब्रेकफास्ट करो, मैं ढूंढता हूँ। सब तुम्हारी वजह से प्रिया, पहले 4 बजे नींद खोल दी, बाद में ऐसे सपने दिखाने लगी कि मैं लेट हो गया। ये लीजिए ना। अब मेरी हॉस्टल मेंटेनेंस फाइल कहाँ है? इस घर में कुछ नहीं मिलता। दूध फ्रिज में रखा, किचन की विंडोज बंद की, नल बंद किए, कचरे का डब्बा बाहर रखा, लेटर्स जो पोस्ट करने थे वो कहाँ रखे, और बेडरूम का दरवाजा भी बंद कर देना। ओ मेरे चश्मे। पापा, किचन विंडो बंद, नल बंद, कचरे का डिब्बा बाहर रख दिया, अब बेडरूम डोर। कम ऑन पापा, वी आर गेटिंग लेट। ये तो ओल्ड फैशन है, यहाँ नहीं चलेगा। ये कैसा है? फेडेड। उफ मामा, तू ये अलमारी खराब क्यों कर रही है? मम्मी ने कल ही जमाई है, तुझे चाहिए क्या? मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, आज कॉलेज का पहला दिन है, मैं क्या करूंगी? कल डिसाइड नहीं कर सकती थी कि मैं क्या पहनूं? और वो ऋचा महारानी को भी आज ही मेरा पिंक दुपट्टा ले जाना था, पूछा भी नहीं। अच्छा, तू भी तो पहनती है उसके कपड़े बिना पूछे। शट अप यार, अगर तुझे लेक्चर देना है तो प्लीज गो समवेयर एल्स, मेरे पास वक्त नहीं है। तो ठीक है, तू डिसाइड कर तुझे क्या पहनना है, मैं जा रही हूँ। जो देख जा। क्या मैं तेरे बिना कॉलेज नहीं जा सकती? क्या चिल्ला चिल्ली हो रही है? क्या कर रही तू? कुछ नहीं मॉम, मुझे चिल्लाने का शौक है। मैं क्या पहनूं? मेरी शादी का जोड़ा पहन के चली जाओ। अरे तुम पढ़ने जा रही हो या घूमने? तुम नहीं समझोगी मॉम, तुम्हारे जमाने में हेप लड़कियां नहीं होती थी। हाँ, पर लखनऊ के राजा की लड़की तो थी, कभी मैंने उसके साथ बराबरी नहीं की। तुम महान हो मॉम, यू आर ग्रेट। मैं नहीं हूँ, आई वांट टू लुक गुड। रितु, अच्छा दिखने के लिए अच्छे कपड़ों के अलावा अच्छा दिमाग भी चाहिए। मौका मौका चाहिए तुम लोगों को लेक्चर देने का। रितु प्लीज जल्दी कर, हम लोगों को देर हो रही है। तुम जो भी पहनोगी अच्छी दिखोगी, बिलीव मी। मॉम मैं क्या पहनूं? गेट अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। Get up, stand up, stand up for your rights. Vicky, यार तू बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज अचानक तू इतना स्टाइल। Hey, first day of college है यार, लोगों को इम्प्रेस करना पड़ता है। लेकिन मेरे बाल इतने छोटे कटवा लिए यार, और ये देख मेरा जॉ कितना ब्रॉड है ना। अरे विवाह, तू आज स्कूल नहीं गया? आज पहुंचते हैं। अच्छा सुन, मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल मालिन ब्रांडो की तरह। या! लेकिन राहुल दिस इज ज्यादा स्मार्ट लगेगा। लगने दे यार। विकी, तेरी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, स्मार्ट ब्यूटीफुल, जिसके साथ मैं लड़ सकूं, और जो तुझे मिलने के लिए मुझे ब्राइब दे। अच्छा, ताकि तू उस पे लाइन मार सके। कम ऑन विवाह, गर्लफ्रेंड इज नॉट माई कप ऑफ टी यार, कौन सहेगा उसके नखरे। अच्छा चल, मैं जा रहा हूँ यार, लेट हो जाऊंगा। आज है ना, बस में जाने का बिल्कुल मूड नहीं है यार, आफ्टर ऑल फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। लेकिन मैं कॉलेज कब जाऊंगा यार? लेकिन जब मैं कॉलेज जाऊंगा ना, तब मेरे बगल में एक गर्लफ्रेंड होगी, देख लेना। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। क्या हुआ, स्कूल नहीं गए? नहीं, छुट्टी है। छुट्टी है, क्यों? जूनियर स्पोर्ट्स डे। तो पढ़ाई करो बेटा। यस डैड। पापा कहाँ जा रहे हो? क्यों? नहीं कुछ नहीं, मैंने सोचा अगर कॉलेज रास्ते में होता तो मैं शायद। आज कपड़े तो आपने बहुत मन लगा कर पहन लिए, ये कपड़े पहनकर बस में नहीं जा सकते? नहीं, चले जाऊंगा। अच्छे लग रहे, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। इंसान बनो। आज रिया कॉलेज जा रही है। अरे ये उस दिन की बात है जब तुझे नाड़ा बांधना भी नहीं आता था। आज तेरे पापा होते तो कितने खुश होते। होशियार, सावधान। ये ले, ये तेरे।
मेरे लिए। ये फैमिली परंपरा है। मुझे भी मिली थी ना पहले दिन जब मैं कॉलेज गई थी, लेकिन इसे पहनने से पहले तुझे 7 कसमें खानी पड़ेंगी। 7 कसमें? यस। पहली कसम, कॉलेज में ज्यादा हाहा ही नहीं करना। दूसरी कसम, आपको देखते ये लगना चाहिए कि आप शौरी परिवार को बिलोंग करती हैं। तीसरी कसम, क्लासेस हमेशा अटेंड करना। चौथी कसम, कैंटीन में जाना लेकिन कभी कभी। पांचवी, लाइब्रेरी हमेशा अटेंड करना, उसको मंदिर जैसा समझना। छठी, सिनेमा हॉल से दुश्मनी रखना। और सातवीं, तो सब कुछ करना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। राधा की लड़कियां बनेगी नंबर वन। देखिए मिस्टर करण, वैसे भी ये इंस्टीट्यूशन उन लोगों के लिए है जो ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे जेल समझते हैं और मौका पाते यहाँ से भाग जाते हैं। हम लोगों ने आप पर भरोसा किया था, आप लोगों को कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था। ड्रग्स किसी की कोई जबरदस्ती तो छुड़वा नहीं सकता, सिर्फ मदद करते हैं हम लोग। कैसी मदद? ऐसे इंस्टीट्यूशंस को तो बंद हो जाना चाहिए। अगर ये इंस्टीट्यूशन बंद हो गई तो ये आवारा नशेखोर जाएंगे कहां? हाँ, पैसे हैं तुम्हारे पास प्राइवेट में भर्ती करने के लिए? तो क्या दया कर रहे हैं आप लोग हम पर? ड्यूटी बनती है ये आप लोगों की, सरकार से तनख्वाह मिलती है इस बात की आपको? तनख्वाह जितनी मिलती है उतनी देखभाल करते हैं हम लोग। पैसे देने में जरा सी देर क्या हो जाए, मेरी बहन को आप सेंटर से निकालने की धमकी देते हैं। कितने पैसे भेजता था तू? है उतने पैसे में प्राइवेट में सिर्फ बेड मिलता है। पैसे की बात करता है, लेकिन आपने मुझे कहा था कि अनुष्का ठीक हो रही है, पूरी कोशिश कर रही है। वो कर रही थी तो फिर भागी क्यों वो? देखो भाई, मैं कोई दिमाग का डॉक्टर तो हूं नहीं, वो कमरा नंबर 13 में मनोज है, पूरी कोशिश कर रहा है। कल को वो नहीं छोड़ पाया तो मेरी गलती होगी क्या? तुम्हारी बहन तो बदचलन थी। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब देखो जेंट्स वार्ड में घुसी रहती थी, क्या पता नशा छोड़ने के लिए एक्टिंग कर रही हो, कि इधर हम उसे ढील दें और उधर वो फुर। तेरी अपनी बहन भाग जाती ना तो तब तुझे मालूम होता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं हायर अथॉरिटी तक जाऊंगा। तो जा ना, किसने रोका? ए, किसे जाना हायर अथॉरिटी का दफ्तर बता, जा। तू मुझे मेरी बहन वापस दिला। सॉरी, बहुत देर इंतजार किया क्या? नहीं, बहुत नहीं। थोड़ा किया भी तो क्या हुआ, आजकल आते ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके एडमायरर से कमी तो है नहीं। अच्छा, देखो आपने बुलाया और मैं चला आया सुबह। एनीवे, तुम्हें जिस लिए बुलाया, तुम सोम खन्ना को कितनी अच्छी तरह से जानते हो? दरअसल पुरुषोत्तम आजकल एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत परेशान है, और सोम खन्ना का डिजाइन भी अच्छा है, उसे ये प्रोजेक्ट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और तुम ये नहीं जाती हो कि सेठ एंटरप्राइजेस के अलावा और कोई पैसा कमा? बात सिर्फ पैसे की नहीं है कुमार, इट्स अ वेरी प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट। तो तुम मुझे क्यों बता रही हो ये बात? सोम खन्ना कैसा आदमी है? दीप्ति बहुत तारीफ करती है उसकी। मैं कुछ और जानना चाहती हूँ। मतलब? कुमार, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए हर हाल में, और इसके लिए मैं सोम खन्ना की जिंदगी के पिछले 20 साल के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। सोम और रेवती कॉलेज में फ्रेंड्स थे? स्कूल में, और सोम रेवती पर जान छिड़कता था, क्या पता अब भी छिड़कता हो। कम ऑन अमृता, वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। जो भी हो, सोम की जिंदगी में कोई दूसरी औरत हो या उसकी बीवी की जिंदगी में कोई और, मुझे उनकी जिंदगी का पूरा हिसाब किताब चाहिए। तुम क्या चाहती हो, कि मैं उनकी जिंदगी के बारे में पता लगाऊं लाइक स्पाई? मैं उनके अतीत का वो कंकाल निकालना चाहती हूँ जो उन्होंने लोगों से छुपा रखा है। अमृता, तुमको कैसे लगा कि मैं ये काम कर ही लूंगा?
क्योंकि तुम पर बहुत उधार है हमारा और रेवती तुम्हारी बीवी है। तुम खुद नहीं जानना चाहोगे उसके बारे में। तो मैं इसको धमकी समझूं? मैं नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। एक बात तो मैं तुमको अभी बता सकता हूँ अमृता, कि तुम्हारा लड़का राहुल सोम की लड़की प्रियंका के बहुत करीब है। रोज रोज पंचर हो जाती है, ये टायर ही घटिया बनाते हैं। नानी तो हंसती रहे बस, देखो वो मजाक ही लगता है। ट्रक का टायर लगा ले, चले हर जगह छूट। आओ दोस्तों, आओ आओ आओ, चलना अभी मिलकर करे धमाल। आज हम करेंगे कमाल। फ्रेशर्स अपने को संभाल, जब हम मिलते हैं साथ बनती है अपनी बात। प्रियंका बेमिसाल, तुम जियो हजारों साल। रिजल्ट सुनने हैं? राजकुमार 65%। हरजीत सिंह, किस्मत की बात है, 35%। और मानव, यस स्टॉप, कोई नहीं है, आजा। बच गए राजा। अगर सीनियर्स ने पकड़ लिया तो बजा देंगे हमारा बाजा। क्या बात कर रहे हैं? फ्रेशर्स होल्ड। बट सर, व्हाट्स द फॉल्ट? वी से होल्ड। जब हमें यहाँ तो फिर डरना क्या? तुम्हें जरूर नहीं होगा लो बीपी, इसीलिए लगती हो तुम इतनी हैप्पी। समोसे जैसी चटपटी और जलेबी जैसी मीठी। मुझे बताओ क्या है प्रॉब्लम? कर दूंगा सॉल्व स्वीटी, कॉफी पीते पीते करेंगे ढेर सारी बातें। शाम को घर खाली हो तो क्यों ना बाहर जाते। किस्मत की बात है। ओह मेरी प्रिया, मैंने सिर्फ तुझको दिल दिया, क्यों जाती है तू राहुल के साथ? प्लीज आ जाओ ना मेरे पास। नहीं आएगी वो, बोले मेरा जिया।